जो प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं वो बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा सकते। अभी नीट एग्जाम का मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि यूजीसी नेट एग्जाम की एंट्री हो गई। मोदी सरकार ने देश की शिक्षा व भर्ती प्रणाली को तहस नहस करके रख दिया है। 18 जून 2024 को संपन्न हुई यूजीसी नेट की परीक्षा भी फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 19 जून को रद्द हो गई। नीट और यूजीसी नेट इन दोनों परीक्षाओं को एक ही एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। क्या अगर नीट का मामला सामने ना आया होता तो यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होती? शायद कभी नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को खुलेआम झूठ बोला और कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पटना से लेकर गुजरात तक भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक की एफआईआर हुई और गिरफ्तारियां हुई। क्या अब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेगा? 24 लाख नीट के और 9 लाख यूजीसी नेट के परीक्षार्थियों के जीवन पेपर लीक ने तबाह कर दिए। जो सरकार बिना धांधली के एक देशव्यापी परीक्षा नहीं करा सकती, उसके मुखिया प्रोपेगेंडा के लिए परीक्षा पर चर्चा का ढोंग करते हैं। अगर इस सरकार में जरा भी शर्म बाकी है तो तुरंत एनटीए को भंग कर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए।